हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम शीना, योर एडुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस, एंड आज मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस वीकली क्विज के सेशन में. राइट, वीकली क्विज का ये सेशन हमने जो सीरीज स्टार्ट की है करियर सक्सेस ने, क्या हुआ है कि आपका वीकली करंट अफेयर्स इसमें कवर करवाया जाता है, एंड ये एक क्विज है जो आप वीकली मेरे साथ देते हैं. आई विश एंड होप यू विल जॉइन मी टुडे इन प्लेंटी. राइट, आप लोगों के लिए ही वीकली क्विज का सेक्शन जो है हमने रखवाया है, सो दैट यू कुड टेस्ट, यू कुड चेक कि आपके पूरी वीकली क्विज का जो सेशन है वो किस तरह आगे बढ़ेगा. आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, यू कैन एक्सेस, खुद आप एसेस कर सकते हैं कि आपने कितना कवर किया है और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है. करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसकी इम्पोर्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता. राइट, राइट फ्रॉम किसी भी लेवल, 10th 12th के लेवल से लेकर UPSC लेवल तक, करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल तो मैं नहीं कहूँगी पर कहीं कम भी नहीं है. वाई? बिकॉज आपको हर एग्ज़ाम में 2 से 5 सवाल करंट अफेयर्स से देखने को मिलते ही मिलते हैं. ठीक है, इसका मतलब है आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता है. कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके करंट अफेयर्स की वजह से. उन लोगों के लिए बता दूं जिनके करंट अफेयर्स करना, जिनको लगता है कि मैं कैसे पढूं, 5-6 महीने का करंट अफेयर्स मुझे करना है बट कैसे होगा, उनके लिए आई विल टेल यू, डू नॉट वरी एट ऑल. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ अपलोड होती है, वीडियो अपलोड होती है. करंट अफेयर्स क्या है? इट इज़ लाइक द न्यूज़पेपर, जैसे आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं. अगर आप एक दिन का न्यूज़पेपर ना पढ़ें, राइट, तो आप एक दिन पीछे चलेंगे दुनिया से. ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि एक दिन में क्या हो गया दुनिया में. अब जो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एक दिन में क्या ही हो जाएगा, कौन सी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, राइट, तो वो दोबारा अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करिए. आप देखिए उस वीडियो में, जो वीडियो हम आपके लिए लाते हैं उसमें आपको दिन भर का ही, दैट इज़ जस्ट फॉर वन डे, एक दिन में कितना कुछ हो जाता है. ठीक है, आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर्स का. आप ज़रूर वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि आप कितना कुछ मिस कर रहे हैं अगर आप वो सीरीज़ फॉलो नहीं करते. तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट येस इन द कॉमेंट सेक्शन. आप ज़रूर लिखिए येस, जो पहले से मेरे साथ ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, और आप आज जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि वो भी देख सकें कि कितने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. डू राइट येस इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ कोई भी स्टूडेंट जो मुझे पहले से फॉलो कर रहा है करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, टी टाइम 10 सीरीज़ में, तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा येस. राइट, चलिए आपको बता दूं, ये फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन्स पर है, 9419145317. ये फ़ोन नंबर करियर सक्सेस के ऑफिस का फ़ोन नंबर है. अगर आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे UT में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट क्लास 4, JK बैंक या फिर IBPS की मैं बात करूं, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिस पर हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे. आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए एंड फटाफट से एनरोल कीजिए मेरे साथ बैचेस में, जहाँ पर मैं और मुझ जैसे एडुकेटर्स आपका पूरा पूरा साथ देंगे. डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपके सिलेबस पे, और पढ़ाने के साथ साथ आपके टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, और उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. राइट, चलिए वीकली क्विज़ का ये फॉर्मेट आपको बता देती हूँ. आपके सामने 20 सवाल आएंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और इन 20 क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दूंगी बल्कि आप देंगे. और कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर देंगे. आई वुड सजेस्ट कि जब आप ये वीडियो देखें, जब आप ये टेस्ट देने बैठें वीकली क्विज़ का मेरे साथ, तो एक नोटबुक और पेन ज़रूर साथ रखिएगा, या एक पेज और पेन साथ रखिएगा, ताकि 1, 2, 3, 4 करके आप उसमें अपने 20 क्वेश्चंस का ऑप्शन मार्क कर दें, ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना है. ठीक है, ABCD जो भी आपका सामने, जो 4 ऑप्शंस आएंगे उसमें से आपका जो राइट आंसर होगा. राइट, तो वीडियो के एंड में आपको क्या करना है? अपने मार्क्स कॉमेंट करने हैं. यू हैव टू कॉमेंट योर मार्क्स. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन.
पहला सवाल देखते हैं क्या है. पहला सवाल है, विच कंट्री साइंड ईपीसी अग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर 700 मेगावाट आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑन जेहलम रिवर. ऑप्शन ए बी सी डी ई करके आपको बताना है, ए है, बी है, सी है, डी है या फिर ई है. ठीक है, इन आपके सामने जो पांच ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है और फटाफट से कमेंट्स करिए, लिखिए कि राइट आंसर क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच साइंड कॉरपोरेट एजेंसी पैक्ट विद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. आप कैसे आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखिए, फिर लिखिए ए बी सी जो भी आपका आंसर है. ठीक है, ताकि ढूंढने में ईजी हो. दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रेट प्रॉफिट 14 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री. ठीक है, ऑप्शंस है कुवैत, यूएई, इराक, ईरान या फिर इजिप्ट. आपके आंसर्स आपके सामने हैं, आपको बताना है राइट आंसर इसमें से क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन चेस प्लेयर फिनिश्ड सेकंड इन ग्रैंड मास्टर ट्राइथलॉन टूर्नामेंट एट 53rd बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल. ठीक है, आपको बताना है इंडियन चेस प्लेयर कौन से थे जिनकी सेकंड पोजीशन आई है ग्रैंड मास्टर ट्राइथलॉन टूर्नामेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी. आपके सामने हैं ये पांच ऑप्शंस, बताइए राइट आंसर इनमें से क्या है. आई होप मेरे साथ साथ आप जुड़े हैं और आप मेरे साथ साथ आंसर्स लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में. आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर भी किया है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है. फाइंड द पर्सन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ गुलबेनिकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी. ये जो प्राइज है गुलबेनिकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी के लिए दिया जाता है और आपको बताना है पहला रेसिपिएंट मतलब फर्स्ट टाइम इसे किस को दिया गया है. चलिए फटाफट से पूरा एंथुजियाज्म के साथ, पूरे जील के साथ आपको ये क्विज में पार्टिसिपेट करना है. जील आपकी कम नहीं होनी चाहिए बिकॉज एग्जाम अभी आएंगे. विच कंट्री कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द MGTD-20 गैस टर्बाइन इंजन मेड बाय 3D प्रिंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2020. दिस इज योर क्वेश्चन एंड आपके सामने ये पांच ऑप्शंस हैं. फटाफट से फास्ट मुझे आप आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या है और ज़रूर लिखिएगा ऑप्शन नंबर 7 देन बी सी डी जो भी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड यूनिट ऑफ काकरपर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 700 मेगावाट यूनिट टू अचीव क्रिटिकली. वेयर डज दिस काकरपार एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड, वेयर इज इट लोकेटेड. आपको बताना है इन सभी स्टेट्स में से कहाँ पर ये लोकेटेड है. अब आप देख रहे हैं आपके सामने ऑप्शंस हैं स्टेट्स के, स्टेट्स एंड कैपिटल्स. ठीक है, स्टेट्स एंड कैपिटल्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता ही जाता है. इसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ. इनको ट्रिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. किन के थ्रू? ट्रिक्स के थ्रू. जिन लोगों को याद है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट जिन लोगों को ये चीज़ें याद नहीं होती उनको क्या करना है, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप फटाफट देख लीजिएगा. इसके बाद वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कहाँ हमें कैसे ट्रिक से ये याद रखा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड अग्रीमेंट विद इंडिया टू सेट अप ग्योदेशु मास प्लांट, फिश प्रोसेसिंग प्लांट है ये एट आइलैंड्स नेम्ड मराधु एंड हुलहुदू. ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने साइन किया है ये अग्रीमेंट. आपके सामने ऑप्शंस हैं, फटाफट से मुझे बताइए और क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या है. चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है. द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ हैज़ बिकम डैश कंट्री टू साइन, यहाँ आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक करना है, टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन जुलाई 2020. आपके सामने ये पांच ऑप्शंस हैं, बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Which is the first Indian company to reach the market capitalization of 13 lakh crore, 48th in the world? क्या रैंक है? 48th इनकी रैंक हो गई है वर्ल्ड में. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. चलिए आई होप यू आर गिविंग मी दी आंसर्स. मैं चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स आपका एक ऐसा पोर्शन रहे जिसको आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लें, ताकि वो 2 से 5 सवाल चाहे बाकियों के मिस हो जाएं पर आपके नहीं होने चाहिए। जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ साथ, जो है वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आंसर, उनका एटलीस्ट ये 2 से 5 क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आ जाए। What is the theme of India Ideas Summit 2020 addressed by PM Modi? इन 5 ऑप्शंस में से बताइए कि थीम क्या है, आपको बताना है कि थीम क्या है। नेक्स्ट सवाल है, Tianwen-1 इज द मार्स मिशन ऑफ विच कंट्री, राइट? Tianwen-1 मार्स मिशन है किस कंट्री का? आपके सामने ऑप्शंस हैं, मुझे फटाफट से बताइए कि 13th क्वेश्चन, उसके बाद आपका आंसर ए बी सी में से क्या है। इस वीडियो के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, राइट? आप एक काम कर सकते हैं, आई विल गिव यू टू मिनट्स विद इन दिस सेशन। 2 मिनट में फटाफट से आप अभी लिखिए कि आपका सेशन कैसा रहा है। जो लोग मुझे पहले से ज्वाइन किया है, जिन्होंने मुझे करंट अफेयर्स के सेक्शन में, मुझे ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस क्विज़ के साथ, या फिर जो आप मेरे साथ T x 10 की सीरीज़ फॉलो करते हैं, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, आपका करंट अफेयर्स कैसे इम्प्रूव हुआ है और आप किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये करंट अफेयर्स मेरे साथ। अपना एक्सपीरियंस 1 सेंटेंस में ज़रूर लिखिए अभी। 2 मिनट आपको मैंने इसी चीज़ के लिए दिए हैं, या जिन लोगों ने मुझे फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, अभी आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ क्विज़ दे रहे हैं, तो आपको बता दूँ ये वीकली क्विज़ ऑलरेडी चलती आई है। वीकली हमने सेक्शन रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी जो इससे प्रिपरेशन है वो ज़रूर इन्हांस करें। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि जिन लोगों ने मुझे बैच में ज्वाइन किया है, 9419145317, इस फ़ोन नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, राइट, फुल बैचेस को एक्सेस लेना चाहते हैं, फुल बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं खुद को, जहाँ पर डिटेल्ड कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाती है सभी एग्ज़ाम्स की, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको पढ़ाया जाता है, तो इस फ़ोन नंबर पर कॉल कीजिए और फटाफट से खुद को एनरोल कीजिए, सो दैट आई कुड टीच यू वैरायटी ऑफ लेसन्स जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट सवाल है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च ट्री प्लांटेशन कैंपेन नेम्ड वृक्षारोपण अभियान रिसेंटली। द वृक्षारोपण अभियान इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, आपको बताना है किस मिनिस्ट्री का जो है ये कैंपेन है वृक्षारोपण अभियान। फटाफट से लिखिए 14th और उसके आगे अपना आंसर लिखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टैलिटी रेट MMR इन इंडिया इन 2016-18 एज पर रिपोर्ट रिलीज बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, बताइए ABCDE में से राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 15th का। चलिए, विच बैंक जॉइंट हैंड्स विद ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF टुवर्ड्स ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ COVID-19 डिजीज, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेल मी। ग्रीन क्लाइमेट फंड किस बैंक ने ज्वाइन किया है इन क्लाइमेट, ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ, फॉर ग्रीन रिकवरी ऑन इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। ठीक है, COVID-19 पैंडमिक हमें पता है कि कितना अभी आपके लिए ये फेटल है, तो इसलिए प्लीज़ खुद को सेफ रखिए, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखिए, राइट, हमें ढीला नहीं होना है, कोविड के केसेस हमें याद रखना है कि बढ़ते ही जा रहे हैं। 17th क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज बाई पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC ऑन थीम फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड, ठीक है, आपको बताना है एडिशन कौन सा हुआ था, 2nd, 5th, 1st, 4th या फिर 7th, फटाफट से कमेंट्स में लिखिए 17th और उसके बाद अपना आंसर। देखिए 18वां सवाल है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिसाइज द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड, ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, आपको बता दूं बैंकों का बैंक RBI, और करंट RBI गवर्नर कौन है, मिस्टर शक्तिकांता दास, इनसे पहले कौन थे, मिस्टर उर्जित पटेल, और उनसे पहले कौन थे, मिस्टर रघुराम राजन, ठीक है, ये हमारे क्या थे, RBI के गवर्नर थे। बैंकों का बैंक या फिर बैंकर्स बैंक कहा जाता है RBI को, सेंट्रल बैंक ऑफ जो इंडिया है,
आरबीआई, ठीक है, 1935 में एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी। आपको बताना है इस कमेटी को चेयर किसने किया है। आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। 19वां सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी का इन पांच ऑप्शंस में से किन को चूज कर लिया है इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी एंड सीईओ। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। फटाफट से लिखिए 19th और उसके बाद अपना आंसर। लास्ट सवाल है आज का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फोटो बुक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो ये फोटो बुक है, इनके ऑथर इनमें से कौन है। 20th लास्ट क्वेश्चन है ये, और अपना आंसर इसमें लिखिएगा। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप प्रिपेयरिंग। कभी भी होप नहीं लूज करना। बी मोटिवेटेड ऑलवेज, राइट। आपको मैं बता चुकी हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं खुद को, तो ज़रूर इस फ़ोन नंबर पर कॉल कीजिएगा और मुझसे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए।